प्रदेश सरकार प्रदेश के निचले क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन का। आज नूरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस शासन काल में 1220 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और ये पैसा 2016 में फाइनेंस हुआ। इसमें पूरे प्रदेश के 12 जिले सम्मिलित थे जहाँ इस बजट का आवंटन होना था। इसमें 800 करोड़ रुपए निचले क्षेत्र के जिलों के लिए आए थे जिसमें फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास शामिल था। इनमें कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और चंबा जिले शामिल थे। अजय महाजन ने कहा कि ये बहुत ही अफसोसजनक है कि ये पूरा का पूरा पैसा अपर हिमाचल में ही बांट दिया गया। उन्होंने कहा कि वो ऊपरी क्षेत्रों के विकास के विरोध में नहीं है लेकिन निचले क्षेत्र का हक छीनकर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय IPH में विकृत के तहत 600 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे जिसमें पूरे हिमाचल में IPH में पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की अपग्रेडेशन का काम शामिल था लेकिन 600 करोड़ में से 80% बजट प्रदेश की दो विधानसभा सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज है जबकि 66 विधानसभाओं के लिए मात्र 20% बजट ही बचा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भी सरकार जवाब दे। प्रदेश महासचिव अजय महाजन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मिड हिमालय 3 के नाम से मंजूर हुए प्रोजेक्ट को जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने नगरोटा बागमा दौरे के दौरान सोलन में स्थापित इस प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट करने का ऐलान किया था लेकिन इसके उल्ट धर्मशाला के प्रोजेक्ट को सोलन शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि नूरपुर में स्थापित मिड हिमालय के कार्यालय को जो 5 विधानसभाओं को कवर करता था उसे भी बंद कर दिया। इसमें करोड़ों परियोजनाओं के लाभ से ये क्षेत्र वंचित हो गए। उन्होंने कहा कि वो सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि निचले क्षेत्रों के साथ हुए भेदभाव पर सरकार जवाब दे अन्यथा वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। प्रदेश महासचिव ने पठानकोट मंडी फोर लाइन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस फोर लाइन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े जोरों शोरों से किया था और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिसे चुनावी मुद्दा बनाया आज वो फोर लाइन ठंडे बस्ते में पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य को अमली जामा पहनाने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल हुई। उन्होंने कहा कि आज फोर लाइन प्रभावित परिवार असमंजस की स्थिति में है और सरकार को चाहिए कि वो स्थिति स्पष्ट करे। मंडी शहर के साथ सटे ग्रामीण इलाकों में वर्ष 1984 से लगे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को लोगों ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया। प्रदेश भर में TCP एक्ट को लेकर आ रहे ग्रामीणों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष IPH मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को बनाया गया। महेंद्र सिंह ठाकुर कैबिनेट सब कमेटी के नाते मंडी पहुंचे और TCP के दायरे में आए ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने एक मत से TCP को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री के समक्ष ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि TCP को उन पर जबरदस्त थोपा गया है। 1984 से लागू इस एक्ट का आज दिन तक ग्रामीणों का कोई लाभ नहीं मिला बल्कि नुकसान और परेशानियां झेलनी पड़ी। ग्रामीणों ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि इस एक्ट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना है कि बिजली, पानी और मकान बनाने से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि गौशालाएं बनाने के लिए भी नक्शे पास करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने मंत्री से भी ग्रामीण इलाकों को TCP से बाहर करने की मांग उठाई। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने 2 घंटों से अधिक समय तक ग्रामीणों की बातें सुनी और उन सभी बातों को अपने पास नोट कर लिया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अब ग्रामीणों की बातों पर अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों को TCP से बड़ी राहत दिलाने के लिए उद्देश्य से सब कमेटी का गठन किया गया है। इसके बाद महेंद्र सिंह ठाकुर ने नगर परिषद मेर चौक और ग्राम पंचायत सरका घाट में भी TCP के दायरे में आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें भी जल्द राहत देने का भरोसा दिलाया।
सोलन शहर का नाम 1997 में मशरूम सिटी सोलन पड़ा था और आज मशरूम सिटी सोलन का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सोलन के राष्ट्रीय खुम्भ अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किए गए। इस मेले में देश भर से आए मशरूम उत्पादकों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई नई तकनीकियों से अवगत करवाना तथा खेती करने में आ रही समस्याओं का मिलजुल कर निवारण करना है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मशरूम का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए देखा था वह यहां साकार होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थापित करना है जिसमें वे कामयाब होते दिखाई दे रहा है। इसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे जो है खेती की फसलों में जो अपशिष्ट पैदा होते हैं धान और गेहूं कटने के बाद जो वेस्ट हो जाता है या किसान जलाते हैं उसका प्रयोग करके सही तरीके से हम लोग मशरूम के उत्पादन में उसका सहयोग लेकर के किसानों की आय को बढ़ाने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमें सफलता भी मिली है जो हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करती है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग मशरूम के उत्पादन में बढ़ोतरी हासिल करेंगे।